अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा पुलाव, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैं इसे बहुत ही कम मसालों के साथ बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू। तो ये मैंने मटन लिया है आधा किलो, ये मैंने फैट के साथ लिया है और बोनलेस लिया है। आप चाहे तो लेस के साथ ले ले, आप चाहे तो बोनलेस ले ले। तो ये मैंने आधा किलो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये मैंने एक टेबल स्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने दही ली है, एक तिहाई कप दही है। तो हम इसमें डाल देते हैं इसको, ये देखिए दही डाल दी है मैंने। और यहीं पर डाल देंगे हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट एक टेबल स्पून। और यहीं पे मैंने इसके कुछ मसाले लिए हैं, ये मैंने लिया है एक टीस्पून सफ़ेद नमक, एक टीस्पून मैंने लिया है सौंफ का पाउडर, क्वार्टर टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, एक टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें और नमक अपने हिसाब से डाल ले। तो ये सब डाल दिया मैंने। अब हम इन सब मटर में सारे मसाले अच्छे से मिला दिए हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हमें इसे मैरिनेट करना है। 30 मिनट के बाद तो हमारे मटन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो गया है। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है ये। और ये मैंने चावल लिए हैं, एक गिलास मैंने कच्चा बासमती चावल लिए है। मैंने इसको 15 मिनट से पानी में भिगोया हुआ है अच्छे से धो के। और ये मैंने एक टी स्पून लिया है क्योडा वाटर। और ये मैंने हरी मिर्च ली है 4 से 5, इनको मैंने कट कर लिया है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने कट कर लिया है। हरा धनिया लिया है मैंने, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने इसके कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये मैंने 2 तेज पत्ता लिए हैं, जिसको मैंने कट कर लिया है। ये मैंने काली मिर्च ली है 10 से 15। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है जामैत्री का। और ये मैंने 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और ये मैंने 4 से 5 छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा। और ये मैंने 10 से 12 ली है लौंग। तो चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे रख लिया है कुकर। कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है 3 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला है, क्योंकि मैंने जो मटन लिया हुआ है वो मैंने फैट के साथ लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं प्याज, ऐसे करके डाल देंगे। हमें इसे हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। हमारी प्याज हल्की सी पिंक हो गई है, ये देखिए हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सारे खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। इनको हम हल्का सा चटक जाने देंगे। तो हमारे मसाले भी हल्के से चटक गए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे डालूँगी आधा कप पानी, क्योंकि हमें इसे गलाना है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें हम 3 से 4 सीटी आ जाने देंगे। 3-4 सीटी आने के बाद फिर चेक करेंगे हम। तो कर देते हैं कुकर को बंद। तो हमारे कुकर में 3 सीटी आ गई है, हम इसको खोल लेते हैं। कुकर खोल लिया है और हमारा मटन अच्छे से गल गया है, अच्छे से भुन गया है। मैंने इसको चेक कर लिया है, ये अच्छे से गल चुका है। अगर आपका मटन नहीं गला है यहाँ पे, तो फिर से कुकर का ढक्कन लगा दे, फिर से 1 या 2 सीटी लगवा ले। तो हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं हरी मिर्चें और यहीं पर डाल देंगे पानी। मैंने 1 गिलास चावल का लिया है, तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का डालूँगी। ये मैंने डाल दिया है पानी, इसको मिला लेंगे अच्छे से। और यहीं पे नमक चेक कर ले आप, जैसा आपको चाहिए नमक। तो ये मैंने मिला दिया है। अब हम इसमें उबाल आ, हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम यहाँ पे चावल डाल देते हैं। तो ये चावल डाल दिए हैं मैंने, मिला लेंगे इसको अच्छे से। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। कुकर का ढक्कन हम ऐसे लगाएंगे। तो और हमारी कोरमा पुलाव को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए इसका जो पानी है आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है जो इसकी तली में है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, फिर डालेंगे थोड़ा सा फ्राई प्याज, ये भी डाल दिया है मैंने। और यहीं पर ये
क्यूडा वाटर डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया था, एक टीस्पून। हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, ऐसे करके अच्छे से बंद कर देंगे हम कुकर को, और हम इसको एक प्रेशर आ जाने देंगे। एक प्रेशर आने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे के प्रेशर में। तो हमारी पुलाव तैयार हो चुकी है। अब हम कुकर को खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं अपनी पुलाव को। ये देखिए हमारी पुलाव बिल्कुल तैयार हो गई है, तो हम इसको डिस आउट कर लेते हैं। मज़ेदार एकदम से बन जाने वाली हमारी मटन कोरमा पुलाव बनके तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।